मेरे पास बॉल है, दूसरे टीम का प्लेयर इंजर हो गया है, आउट ऑफ कर्टेसी, आउट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप आई विल थ्रो द बॉल आउट. तो एक सेकेंड टीयर चैंपियनशिप में एक मैच हुआ था बिटवीन लीड्स यूनाइटेड एंड एस्टन विला. इफ यू रिमेम्बर दैट मैच, उसमें एक फेयर प्ले अवार्ड दिया गया था मार्सेलो बियेल्सा को. एक नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड. यू नो व्हाट, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स. आपने टाइटल देख ही लिया होगा, इस वीडियो में हम किस चीज के बारे में बात करेंगे, जो कि है सैफ वुमेन चैंपियनशिप. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में डिस्कस करना, क्योंकि अभी अभी इंडिया ताजा ताजा नेपाल से हार के आया है सेमीफाइनल्स में, और हम फाइनल्स में ऑफकोर्स नहीं जाएंगे क्योंकि हम हार गए. तो फाइनल 30 अक्टूबर को होगा बिटवीन बांग्लादेश एंड नेपाल. तो ठीक है, देखेंगे वो मैच कैसे होता है. बट आज बहुत इंपॉर्टेंट है बात करना इस चीज पे कि हम क्यों सेमीफाइनल्स हारे, और पिछले साल भी हम सेमीफाइनल्स में हार गए थे. ये इसलिए बात करना जरूरी है क्योंकि अगर सोचा जाए, सैफ चैंपियनशिप इंडियन वुमेन का फोर्टे था. वी हैव बीन प्लेइंग इट, वी हैव बीन विनिंग इट, बट नाउ इट्स नॉट दैट ईजी. वॉट इज द प्रॉब्लम, वेयर इज द प्रॉब्लम? आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट इज नेपाल एंड बांग्लादेश डूइंग राइट. यू सी देयर वुमेन प्ले, that is the confidence I thought that we would have, especially when you consider the FIFA ranking. We are on 68th and Nepal humko hara ke ja rahe 99th rank pe hai, Bangladesh humko hara ke ja rahe 139th rank pe hai. How is this happening? Don't we all have questions and we need answers to these questions, because it's very important to discuss what really happened and what went wrong in this championship. जब से शुरू हुआ है तब से इंडिया ही जीतते आ रहा है. 5 consecutive सैफ चैंपियनशिप इंडियन वुमेन ने जीते हैं. पिछले साल एक एनोमली हुआ जो हम नहीं जीत पाए, हम सेमीफाइनल्स में आउट हो गए थे. एंड पिछले साल बांग्लादेश ने अपना पहला टाइटल जीता सैफ चैंपियनशिप का. और अगर आप देखो तो बांग्लादेश इज डूइंग प्रीटी वेल दिस सीजन, दिस ईयर एज वेल. इस बार नेपाल होस्ट कर रहा था. अगर हम ग्रुप स्टेज की बात करें, इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान एक ग्रुप में थे. हम उसमें सिर्फ पाकिस्तान को ही हरा पाए. बांग्लादेश से हम बहुत गंदा हारे हैं, 3-1 हम हारे हैं बांग्लादेश से. उसके बाद हम अभी सेमीफाइनल्स में आए, सेमीफाइनल्स में हम नेपाल से हार गए. जो भी कॉन्ट्रोवर्शियल, जो भी कुछ रहा है मैच में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. बट बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल यहाँ पे ये आ जाता है कि हाउ आर नेपाल एंड बांग्लादेश प्लेइंग दैट वेल? आई डोंट वॉन्ट अस टू लूज ग्रिप ऑफ अ कॉम्पिटिशन विच हैज बीन आर्स. हाउ इज इट पॉसिबल दैट वी जस्ट लेट गो ऑफ थिंग्स लाइक दैट, कि ठीक है ये तो हमको आते ही हम कर लेंगे. Why are we not serious in these competitions? ये तो हमको हमारे बाएं हाथ का खेल होना चाहिए था, like going there and winning again and again. How is it possible that consecutively 2 साल हम ऐसे हार रहे हैं? इंडिया वर्सेज नेपाल का मैच कल खत्म हो गया था. मैं ट्राई करूंगी ये वीडियो एज सून एज अपलोड करने की, सो दैट यू नो पीपल आर वेरी मच अवेयर ऑफ द थिंग्स ऑफ द कॉन्ट्रोवर्सी दैट हैपेंड इन द मैच. बट कैन यू बिलीव दिस, कल एक ऐसा मैच हुआ जिसमें जो एक्स्ट्रा टाइम या हॉल्ट मैच के अंदर हुआ, अराउंड 70 to 80 minutes का, 70 टू 80 मिनट्स के बाद मैच फिर से रीस्टार्ट होता है, फिर से एक डिफरेंट रिजल्ट आता है एंड इंडिया हार जाता है. ऐसा हुआ क्या कल? देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि नेपाल का होम ग्राउंड था, ठीक है, होम एडवांटेज रहेगी. मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनका, उनके लोग आते हैं यार सपोर्ट करने के लिए, तो इट्स वेरी गुड. क्यों नहीं आएंगे, अपनी टीम को सपोर्ट करने आएंगे ही. वेरी गुड दैट दे आर डूइंग दैट. तो दे वर वेरी क्वेश्चनेबल रेफरिंग डिसीजंस दैट हैपेंड इन द मैच. क्राउड कंट्रोल नहीं हो पा रहा था. आई डो नॉट नो वॉट रियली हैपेंड इन इट, बट क्राउड कंट्रोल होना चाहिए था बिकॉज देयर वर सो मेनी लाइक बॉटल थ्रोइंग्स एंड थिंग्स लाइक दैट हैपनिंग, एंड क्राउड वॉज गेटिंग वेरी एजिटेटेड. ऑल ऑफ दैट हैपेंड बिकॉज देयर वर सच क्वेश्चनेबल रेफरिंग डिसीजन दैट हैपेंड इन द मैच. अब मैं बता दूं कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हुआ कहां से. देखो, एक हैंडबॉल था जिसकी वजह से नेपाल पूरा शाउट कर रहा था कि पेनल्टी होना चाहिए बिकॉज ऑफ दैट, एंड रेफरी डिड नॉट गिव दैट, जिसकी वजह से क्राउड गॉट वेरी एजिटेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड. दे स्टार्टेड थ्रोइंग बॉटल्स एंड स्टफ, एंड उसके बाद 10 मिनट का हॉल्ट हो गया था गेम में. फिर हम जाते हैं सेकेंड हाफ में. सेकेंड हाफ शुरू होते ही 51st minute पे नेपाल की एक प्लेयर है रेखा, जिनको सेकेंड येलो कार्ड दिखाया गया, जो कि एक क्वेश्चनेबल येलो कार्ड था. अगेन रेफरिंग के डिसीजन पथेटिक थे कल के मैच में. तो उनको रेड कार्ड मिल गया, 2 येलो कार्ड हो गए थे तो रेड कार्ड मिला, एंड शी हैड टू गो, शी हैड टू वॉक आउट. फिर 70th minute पे इंडिया फर्स्ट गोल मारता है, विच वॉज अ ब्लडी गुड गोल. लाइक इफ यू हैव नॉट सीन इट, प्लीज वॉच इट. दैट वॉज अ ब्यूटिफुल गोल बाय संगीता. वो गोल के बाद इंडिया को लगा भाई वी हैव डन इट. आई डो नॉट नो दे गॉट ओवर एंड सुपर एक्साइटेड दैट दे वेंट टू द बेंच एंड स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग. इवन द गोल कीपर वेंट देयर एंड स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग. सो देयर वाज नोबडी देयर टू डू एनीथिंग, बट विच इज फाइन, इट्स ऑन अस हाउ वी वांट टू सेलिब्रेट. दे वेंट आउट टू सेलिब्रेट, दैट्स हाउ दे सेलिब्रेटेड. रेफरी ने क्या किया, उसी टाइम विसल मार दी कि चलो गेम शुरू करो.
नेपाल वहां पे खड़ा है गेम चालू करने के लिए एंड दे डिड. नोबडी वेटेड कि इंडिया विल कम बैक एंड टेक देयर पोजीशन सो दैट दे कैन रीस्टार्ट द गेम. वेल दैट डिड नॉट हैपन क्योंकि उन्होंने उसी टाइम पे गेम शुरू कर दिया विच इज ओके. समझ में आता कि रेफरी ने विसल मार दिया गेम शुरू होगा. नेपाल ने कर दिया, वो जाते ही वहां जाके उन्होंने गोल कर दिया. आर प्लेयर्स वर नॉट इवन देयर, एकदम ऑफ पोजिशन में थे, नोबडी वॉज इवन देयर एंड दैट गोल हैपेंड. अभी हुई कॉन्ट्रोवर्सी कि नेपाल बोलता है ये गोल होना चाहिए, इंडिया बोल रहा है भाई तुमने कैसे गोल कर दिया जब हम पोजिशन में थे ही नहीं. दोनों लड़ रहे हैं, प्रॉब्लम किसका है? रेफरी का. भाई किसने बोला था वहां पे विसल बजाने के लिए? यू डोंट नो दीज बेसिक थिंग्स, ये फीफा के रेफरीज हैं भाई, दिस इज वॉट दे आर डूइंग. इसके बाद तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा नेपाल क्राउड एजिटेट हो गया एंड दे वर लाइक नहीं दिस इज दिस कांट हैपन एंड पूरा का पूरा क्राउड इज गोइंग वाइल्ड थ्रोइंग बॉटल्स एंड व्हाट नॉट. देयर वाज नो क्राउड कंट्रोल एट ऑल एंड द मैच केम टू अ हॉल्ट बिकॉज़ नेपाल सेड दैट वी आर नॉट गोना प्ले फर्दर एंड दे जस्ट लेफ्ट ऑफ दे वेंट. इट वाज सच एन कंफ्यूजन, अटर कंफ्यूजन दैट वाज गोइंग ऑन इन द मैच एंड इंडियन वुमेन लाइक दे वर जस्ट स्टैंडिंग देयर. क्या करना है अभी? नोबडी न्यू व्हाट विल हैपन नेक्स्ट बिकॉज दे वॉक्ड ऑफ. फिर अपना 60-70 मिनट्स के बाद, प्रॉपर 60-70 मिनट्स के बाद दे मेक अ कमबैक. दे लाइक पता नहीं ठीक है चलो खेलते हैं कंटिन्यू करते हैं. इंडिया पूरा हिल गया था उस टाइम तक. दे थॉट दैट अभी कुछ होने नहीं वाला है, कोई भी कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पाएगा इसी सिचुएशन में. बट आई एम नॉट डिफेंडिंग इंडियन वुमेन टीम बट स्टिल इफ वी कंसिडर द सिचुएशन इट वॉज वेरी टेंस. दे स्टार्टेड द गेम एंड दे गॉट द गोल वेरी अर्ली. दे गॉट द गोल एंड दे इक्वलाइज्ड इट. द स्कोरलाइन वॉज 1-1. दैट्स हाउ द मैच एंडेड. मैच वेंट टू पेनल्टीज. पेनल्टीज में नेपाल जीत गया. सबसे बड़ी मिस्टेक यहां से जो हमारी साइड से हुई थी कि हमारी कैप्टन आशा लता देवी द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर दैट वी हैव शी वाज द फर्स्ट वन टू गो एंड टेक द पेनल्टी. शी मिस्ड इट. सी आई डोंट आई एम नॉट सेइंग दैट शी वाज द कैप्टन सो शी शुड हैव डन इट, शी इज एक्सपीरियंस प्लेयर शी वुड हैव डन इट बट यू शुड नॉट हैव मिस्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. अगर आप सबसे पहले जा रहे हो आपको अपनी टीम को और हिम्मत देनी है कंसिडरिंग द क्राउड दैट वाज गोइंग वाइल्ड. लेकिन वो हुआ ही नहीं बिकॉज आशा लता देवी मिस द पेनल्टी. उसके बाद दूसरे प्लेयर्स आ रहे थे करने के लिए बट देन ऑफकोर्स वी हैड लॉस्ट द मैच देन एंड देयर. दैट्स हाउ इट हैपेंड, दैट्स हाउ इट अनफोल्डेड. सो मेनी रॉन्ग थिंग्स हैपेंड यस्टरडे. फर्स्ट वॉज द रेफरिंग डिसीजंस, वेरी वेरी क्वेश्चनेबल रेफरिंग डिसीजंस. ये सब होता ही ना अगर थोड़े बेटर रेफरिंग क्वालिटी हमको मिल जाए. यार हमको प्रीमियर लीग में देखने को बेटर क्वालिटी नहीं मिलती, हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करें? बट दिस इज वेरी रॉन्ग टू सेटल फॉर सच स्टैंडर्ड्स ऑफ रेफरिंग. दिस इज रॉन्ग, इट्स utterly wrong. The second wrong thing that happened in the match was that I'll consider Indian women team who got riled up in this, which is not easy of course when so many people are against you, it's not your home ground and I'm sure that there was zero to no support for Indian women at that point of time. But still, we are a better team, actually an experienced team, especially in this competition. We have to show that. We did not show that, especially you know, in the penalty shootout, maybe we could have done better. We did not do that. Third wrong thing that happened was Nepal thinking that that was a goal. See, we have to talk very clearly here. If you guys follow the international football, so I do not know how many of you follow England football. So, a second tier championship match hua tha between Leeds United and Aston Villa. If you remember that match, usme ek fair play award diya gaya tha Marcelo Bielsa ko ek reason ki wajah se. और ये रीजन यहाँ पे डिस्कस करना बहुत जरूरी है बिकॉज दैट्स व्हाट स्पोर्ट्समैनशिप इज. इफ यू नो लाइक द वेरी बेसिक थिंग दैट वी टॉक अबाउट हियर इज दैट अगर कभी भी गेम प्ले ओपन गेम प्ले चल रहा है और कोई प्लेयर इंजर हो जाता है दूसरे टीम का, मेरे पास बॉल है दूसरे टीम का प्लेयर इंजर हो गया है, आउट ऑफ कर्टेसी आउट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप आई विल थ्रो द बॉल आउट, आई विल नॉट कंटिन्यू द गेम प्ले. दैट्स जस्ट इफ आई वॉन्ट टू, इट्स नॉट रिटन इन एनी रूल बुक बट दैट जस्ट हैपन्स. पीपल डू दैट out of respect, out of sportsmanship, whatever that is, right? So, in Leeds versus Aston Villa, what happened that Aston Villa ka player injured ho gaya tha. Leeds continued the play because referee ne whistle bajaya nahi tha. Leeds United continued to play. Wo aage jaake goal kar dete hain usi time pe jab unka player injured tha. Then, they are celebrating ki bhai, we have like scored the goal. And remember, this match was very important. It's not just any league match. It was very important. It must have made a comeback for Leeds United to Premier League. It was that important a match. So they scored a goal. The scoreline was 1-0 to Leeds United. Then what happened? They were questioning, Aston Villa was questioning, ki bhai, how can this be allowed since our player was injured and you just went on to play? You know, how can this be allowed? Still understandable. Because ye tab bhi wo log jaake ye goal consider kiya ja sakta tha, aur wo kiya bhi gaya. The goal was considered. Koi overturn nahi kiya gaya is cheez ko. लेकिन उसके बाद क्या होता है, जहां पे एक
बहुत बड़ी चीज जो हम अभी बात करेंगे वो है मार्सेलो बियल्सा ने उस टाइम पे अपने प्लेयर्स को बुलाया, अपने कैप्टन को बुलाया और बोला कि अभी लेट एस्टन विला गेट अ गोल एंड नोबडी इज गोइंग टू डिफेंड इट और नोबडी इज गोइंग टू यू नो मार्क एनीथिंग, लाइक लेट देम जस्ट प्ले एंड गेट अ गोल. तुम अपने पोजिशन पे जाओ, मार्क खड़ो वहां पे, कोई भी उनको डिफेंड नहीं करेगा, लेट देम गो गेट अ गोल. That's what they did. If you see the replay, if possible, I'll like put the pictures here. Their player just came and uncontested, they went and scored the goal. They scored the equalizer and that's how the match ended. Leeds won, Aston Villa won. And Marcelo Bielsa got the Fair Play Award. Even though many people, many Leeds fan did not like it, what Marcelo Bielsa did, because it put them in playoffs. Many people did not like it, but Marcelo Bielsa got the Fair Play Award that season, considering the sport, the love for the sport that we have. Now, I don't understand why Nepal thought to continue playing that situation. I understand that referee ke decision pe referee ne whistle blow kar diya and you just went on to play. I understand all of that. But itna bada ek stand lena ki we are not going to play, you know, all of that. I think that the teams could have gotten together and understood that what is actually happening, and it was a referee decision that was gone bad, gone pathetic. That is what happened in SAF Women Championship, guys. That's how we lost the match. And I'm not taking anything away from Nepal. They were really a better team. They are playing good. They are playing very, very good. And I have been praising them, Nepal and Bangladesh both. I do not know what they are doing right, but there is something that we are doing wrong. We as a nation who have been succeeding in something, at least with women's football, that was going very good. हमेशा कुछ ना कुछ हो जाता है, आई डोंट नो व्हाई. हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आई डोंट नो व्हाई. व्हाट इज द इशू, व्हाट इज द प्रॉब्लम, आई डोंट नो. बट वी रियली हैव टू गो टू दैट दोज स्टैंडर्ड्स इफ वी रियली वांट टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट. अगर आप सोचो हम 68 फीफा पोजीशन पे हैं, कैन वी लाइक रियली बीट अ टीम विच इज एट 20th रैंक. हाउ आर दे बीटिंग अस सो इजीली? हाउ आर वी नॉट डोमिनेटिंग दीज कॉम्पिटिशंस एंड विनिंग time and time again? By the way, finals is going to be on 30th October between Bangladesh and Nepal. I think that's going to be a really good match. So guys, please watch it. I think it will be nice to see what they are doing right and what we have to improve. But there were expectations from women's team, and that is going down, which is not a good sign at all, considering how much effort already is being put in women's football, which is not a lot. But jitna mil raha hai usme humko maximize karna padega. By the way, I would really like to know who all have seen Leeds United versus Aston Villa match jo main is video mein baat kar rahi thi, jiska maine example diya tha. How many of you have seen that match? Please comment down below, because I actually watched it live when it happened. So I do remember that very vividly, that a similar situation happened at that point of two. If you like my content, please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching IndieCorp, supporting IndieCorp. I really, really, really appreciate your love for the channel. Thank you. Namaste.